असल गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे टॉपिक के बारे में। मेरे ख्याल इस पे जो है ना, बहुत से जो मेरे भाई हैं वो परेशान होंगे, मतलब कि फाइनेंशियली जिनको जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जो है मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे भाई मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि बहुत से मैसेज मुझे रिसीव कर रहे होते हैं। पहले तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन यार जब ज़्यादा जो है ये मैसेजेस पढ़ने लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए। मैंने फिर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करना शुरू की, इंफॉर्मेशन इस बारे में जो है लोगों से पूछा, लोगों से जो क्या कहते हैं उनके जो मतलब कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में जो लोग हैं उनसे बातचीत की, उनके जो हैं पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो जाने। उसके बाद मैंने अपना जो है स्टडी किया इस बारे में, और फिर जो है मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वीडियो बना दीजिए, ताकि आप जैसे बहुत से भाई जो परेशान हैं उन पर जो है हेल्प हो सके। तो क्या कहते हैं, मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस कराता जाऊँ। माय नेम इज़ मोहम्मद जुहेब एंड यू आर वाचिंग जुहेब कुरैशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक चैनल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आप जाकर अपने आप को फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं आप अपने आप को जल्द से जल्द कैसे किन ममालिक में जाकर आप जो है काम करके अपने अपने जो फाइनेंशियल गोल है वो हासिल कर सकते हैं। तो पहले अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे यार दो चीज़ें हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे को देख कर कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आंसर अलग होंगे, और अगर आप पैसे के साथ साथ इस बात को भी कंसिडर करते हैं कि भाई पैसे के साथ साथ इंसान की जहाँ चाहे वहाँ पे इज्जत भी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है आंसर डिफरेंट होंगे। तो शुरू करते हैं फिर। पहले तो नो डाउट गाइस के आप अमेरिका जाएं, तो अमेरिका जाके आपको बहुत अच्छा जो है वो सैलरी मिलती है, आप छोटे से छोटा मतलब कि आसान से आसान काम करके भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कि कहते हैं अमेरिका में ऊबर पे काम करता है, ऊबर पे, तो ऊबर पे गाड़ी चलाता है। तो वो क्या कहते हैं वो बता उसने मुझे जो है स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, और उसने ये बताया ये बात पास बैठ के भी बताई थी, मतलब कि उसे मेरी कम्युनिकेशन हुई, तो उसने ये मुझे बताया कि वो एक जो है घंटे का वो $1500 तक कमाता है, $1500-2000 तक कमाता है। तो अब वो एक दिन का जो है वो 20,000-30,000 के ऐसे करके जो है ना पाकिस्तानी वो कमा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वो एक से एक महीने में कितना कमा रहा होगा, एक महीने में वो 6 से 7 लाख भी कमा रहा होगा, यही जो है ऊबर पे काम करके। ये देखें, अगर आपके पास ये स्किल है तो आप ज़रूर जाएं, अगर आप सिर्फ पैसे को कंसिडर करते हैं तो आप ज़रूर इधर अमेरिका जाएं, और ज़रूर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी जो है वो मिलेगी। तो अगर आप पैसे के साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि आप हमें इज्जत होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है अगर आप कोरिया या जापान वाली साइड पे चले जाएँ तो आपको नो डाउट वहाँ पे बहुत अच्छा आपको इज्जत भी मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, और क्या कहते हैं आपको जो है आपकी सैलरी भी क्या कहते हैं मकबूल होगी, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, जो कि आप अपने फाइनेंशियल जो आपने फ्रीडम हासिल करनी है वो आपको बहुत जल्दी जो है वो मिल सकती है, आप बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल जो टारगेट है वो आप अपना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि कोरिया में जो है वहाँ पे जाके लोग जो है ना एक एक मतलब कि फैक्ट्री में काम करके 1500-1500 पाकिस्तानी 1500 और क्या कहते हैं ऐसे भी जो है 1500-2000 जो है कमा रहे हैं एक घंटे का। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक घंटे में जो है लोग कमा रहे हैं। तो इस तरह से जो वहाँ पे सैलरीज जो हैं क्या कहते हैं 2 लाख से शुरू होती हैं, अगर आप सिर्फ शुरू मतलब कि आप मॉर्निंग टाइम में काम करते हैं, मतलब कि अपना सिर्फ ये जो आपकी ड्यूटी है उसमें काम करते हैं, तो आपकी जो है सैलरी वहाँ पे 2 लाख से शुरू होती है। कोई भी जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं उनकी जो है सैलरी वहाँ पे कोरिया में 2 लाख से स्टार्ट होती है, और अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आप उसको 2.5 लाख से 3 लाख तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कि कुछ भी मतलब कि आप कुछ भी कंसिडर नहीं करते कि ना पैसा हो ना कुछ हो, वैसे ही आप ना पैसा हो ना इधर, तो आप वैसे जो है क्या कहते हैं कहीं पे निकलना चाहते हैं, कहीं पे जाना चाहते हैं, वैसे टूर वगैरह करना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं इंडोनेशिया,
फिलीपींस और क्या कहते हैं मलेशिया वगैरह, जब वगैरह जा मलेशिया वगैरह की जगह पे जा मुल्क में जा सकते हैं आप, वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह जो है बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन यार मलेशिया वाला वगैरह में पैसा इतना नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ कि मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह में इतना पैसा नहीं है, लेकिन जो है आपको इज्जत तो मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाकर अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे बिजनेसमैन आप वहाँ पर बन सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यहाँ से जो है बिजनेसमैन जो है वहाँ पर गए हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपने जो क्या कहते हैं बिजनेस को वहाँ पर जाकर स्टेबल किया है। इंशाल्लाह आप भी अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको भी ये क्या कहते हैं मलेशिया वगैरह में जाकर जो है ना बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप यूरोप वगैरह में कहीं जा सकते हैं, जाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री होगी स्वीडन नॉर्वे वगैरह में, अगर आप ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पैसे फाइनेंशियली वो भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि फाइनेंशियल तौर पे वो भी आपको वो मालिक भी आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे सैलरी के हिसाब से। लेकिन जो है अगर आप देखें कि वहाँ पे अगर आप सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे तो मैं थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टूडेंट्स स्वीडन और नॉर्वे वगैरह में जो है जो आपकी जॉब है वो बहुत स्ट्रिक होगी, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको मतलब कि आपने थोड़ा बहुत लेट हो गए तो आपको मतलब कि ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है ना वो आपको लगेंगी, अगर आप नॉर्वे वगैरह जाना चाहते हैं तो, मतलब कि आप काम पे जल्दी पहुँचे यानी कि आपने छुट्टियाँ नहीं करनी इस तरह से जो है ना आपको नॉर्वे वगैरह में मैंने देखा है। मैं लोगों से सुन बात करके जो उनका जो ओपिनियन मैंने लिया उनसे ये है कि वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कि आप एक दिन भी मतलब कि जो आपके जो दिन बनते हैं छुट्टी के आप उनके अलावा जो है ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द टाइम ये है उनका रूल। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, मैं इंशाल्लाह मेरा ये चैनल दी रहीम कुरैशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी ये आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आगे मैं आने वाले ब्लॉग में उसे जो है इंक्लूड करूँ, इंशाल्लाह आपके अंदर आपके लिए जो है वो तो बेहतरी के लिए आपकी बेहतरी के लिए आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए मैं मेहनत करता रहूँगा इंशाल्लाह। वीडियो की लाइक जो है उनके उनके लिए मैं एक टारगेट रखता हूँ 300, तो ज़रूर आप लाइक इतने लाइक तो पहुँचा ही देना इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, टेक केयर ऑफ सेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।